रायगढ़ राजस्व कोर्ट में हुई मारपीट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गिरफ्तार 5 वकीलों में से एक की जमानत मंजूर कर दी है। जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से उनकी रिहाई हुई। तहसील कोर्ट में हुई इस मारपीट मामले में कर्मचारी व अधिवक्ता संघ दोनों संगठन आमने सामने आ गए थे। रायगढ़ राजस्व कोर्ट में हुई मारपीट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें, जो अधिवक्ताओं के पक्ष में है। आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने गिरफ्तार 5 वकीलों में से एक की जमानत मंजूर कर दी है। जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से उनकी रिहाई हुई। तहसील कोर्ट में हुई मारपीट मामले में कर्मचारी और अधिवक्ता दोनों संगठन आमने सामने आ गए थे। कर्मचारियों की द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, लोक सेवक से मारपीट और एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध कायम किया था। यह सभी गैर जमानती धाराएं हैं। पुलिस इस मामले में उसी रात 3 नामजद वकीलों के घर पर छापेमारी की थी। घर पर कोई नहीं मिला था। कर्मचारी संघ ने अगले दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। पुलिस पर प्रेशर बढ़ा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने वरिष्ठ वकील भुवनलाल साहू को उनके घर से गिरफ्तार किया था। रविवार को ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एस्ट्रोसिटी एक्ट के न्यायाधीश रविवार को न होने के कारण वहां उनकी सुनवाई न हो पाई। अगले दिन उनकी जमानत की अपील लगाई गई। कर्मचारी संघ की आपत्ति के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में उसकी अंतिम जमानत के लिए सुनवाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी अंतिम जमानत को मंजूर कर लिया। वकील साथी की रिहाई के लिए सभी अधिवक्तागण जेल परिसर पहुँचे थे। हाँ, इस घटना के पूर्व नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर के कोर्ट में मैं कुछ दिन पूर्व गया था। वहाँ 107/16/51 का रेगड़ा ग्राम के सरपंच, पूर्व सरपंच के पुत्र का 107/16 का मामला था। उसमें जमानत के लिए गया था। जमानत के पेपर तैयार किया, मेमो तैयार किया, मैं कोर्ट में पेश किया। उन्होंने मेरे को जो है पेश करने से जो है वापस लेने के लिए दबाव डाला। मैं वापस नहीं लिया। मैं बोला जमानत का प्रावधान है साहब, आप जमानत दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर खारिज कर दीजिए। नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने, और जो है उसके पश्चात जो है वो जो है रात तक 10 बजे तक घुमाया मेरे को। उसके पश्चात जो है वो सरपंच, पूर्व सरपंच को ये भी बोला वहाँ पर कि आप ऐसे वकीलों को लेके आते हैं इसलिए तुम्हारा जमानत नहीं हो रहा है। उसके पश्चात बाताबाती हुई और होने के पश्चात जो है मैं वहाँ से निकला। मैं बोला आप लोग करा लो भाई, आपके लड़का अनावश्यक अंदर हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, चला गया। उसके पश्चात जो है मेरे को दूसरे दिन जानकारी हुआ कि मेरा मेमो और वो कागज़ जो है निकाल के उस सरपंच के हाथ में थमा दिया और उससे जो है 4,000 रुपया नगद लिया। नगद लेने के पश्चात उनको रिहा कर दिया। दूसरे दिन पैसे दिया, 2,000 रुपया फिर ले लिया उससे। उस प्रकरण के में कागज मेरे राइटिंग में हाथ में लिखा हुआ था और जो है मेरा मेमो वगैरह सबको निकाल के फेंक दिया। उसी के आवेश में उन्होंने जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई किया। घटना के समय हमारे FDM महोदय वहाँ उपस्थित थे। वो पूछे क्या क्या हुआ। मैंने सामने में जाके बताया कि साहब ये आपका नायब तहसीलदार जो है वो रंगे हाथ पैसा लेता है और वकीलों को बदनाम करता है, जिसके आवेश में आकर उन्होंने मेरे खिलाफ जो है थाना में बयान देकर जो है बताया है। मेरे नाम पर ना FIR है, ना किसी प्रकार की कोई दोषारोपण है। अनावश्यक रूप से मेरे को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। ये जिस प्रकार की घटनाक्रम आप बता रहे हैं, हाँ, क्या लगता है कि अधिकारियों के मन में ये है कि अब वकीलों की कोई जरूरत नहीं है राजस्व न्यायालय? हाँ, राजस्व न्यायालय में वकीलों की कोई जरूरत नहीं है। माने पक्षकारों को इस प्रकार का कहा जा रहा है कि आप वकील को लेके आते हो इसलिए आपका काम नहीं होता। वो डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट डीलिंग करना चाहते हैं, ताकि वो पक्षकारों से पैसा डायरेक्ट ले सकें। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।